ओडिशारे संस्कृति और परंपरार एक अनन्य झलक देखा मिले। प्रतिवर्ष एठी प्रतिटि परंपरा को पालन करने को लोक माने खूब आग्रही थांती। हिंदू धर्म रे थिबा 12 मास रे 13 पर्व को एठी बड़ आडंबर सहकारे पालन करा जाए। पूर्व भली एबे मध्य प्रतिटि गां तार संस्कृति एवं ऐतिह्य को बजाय रखिबार एठारे आपण ज्वलंत निदर्शन पाइबे। गाँवें आध्यात्मिक चेतना सहित भक्तिभाव को दृढ़ीभूत करने विभिन्न प्रकार पूजा पाठ यज्ञ प्रवचन आदि अनुष्ठित होता बेले अष्टप्रहर नामयज्ञ स्थान रही खूब स्वतंत्र। यह समय रे राम नाम रे सारा परिवेश कंपी उठे, सृष्टि हुए भक्तिमय परिवेश। तेबे रेढ़ाखोल कदलीगढ़ पंचायत सानरेंगाली ग्राम स्थित भगवत गीता अध्ययन आश्रम बाबा परीक्षित दासंक आप्राण उद्यम तथा तंतगाड़ सुदमुंडा बघारपाड़ी हरिपुर और तुम्बामाल ग्रामवासी मिलित सहयोग में आश्रम अष्टप्रहर नामयज्ञ आयोजित हो जाएगी। रविवार सका कलश यात्रा उत्सव पालन होता बेले नाम आरंभ होता। दूरदूरातर अनेक संकीर्तन मंडली हरिनाम गान करते। रंग बेरंगर सुसज्जित तोरण और आलोकमाला झलसुवा आश्रम परिसर में शह शह श्रद्धालु समागम होता। सानरेंगाली ग्रामर भागवत कर्मी सपत्निक यज्ञकर्ता दायित्व निर्वाह करता बेले पंडित कृष्णचंद्र होता, मुरलीधर होता और वासुदेव होता पूजा कार्य संपादन करते। जिला परिषद सभ्य शरद कुमार प्रधान, नेता देवेन्द्र महापात्र और गोविंद अग्रवाल, कदलीगढ़ सरपंच सरोज सेठी, समिति सभ्या सृजनी बेहरा, अवसरप्राप्त प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद कुमार बेहरा प्रमुख निमंत्रित अतिथि भावे जोग दे। बाबा आयोजित ये नामयज्ञ अन्नछत्र भी खोलाई जो भक्त आसुचे भक्त आराम से प्रसाद पाई जाऊप्रहरी नामयज्ञ बहुत समारोह जनसमुद्र बहुत आनंद बहुत आनंद लगुच ठाकुर दया एमती एमती केत वर्ष लग रहा कई भी किसी कल्पना करें ये जगार पाखापाखि 5-10 हजार रु अधिक हे लोक लोकंर कि समागम गणित करहब ना जो पटे देखिए विराट पड़िया ये विराट पड़िया जो पटे देखो खाली जनसमुद्र बहुत आनंद नौ लोक मैंने हरिनाम शुणी आहुत ठाकुर दया जे कई कह सहित झगड़ा ना भाईचार ये नहीं पूरा बहुत आनंद नौ प्रसाद पाँच हरिनाम नौ बहुत आनंद लगुच तेबे गतकाल सोमवार नामयज्ञ पूर्णाहुति नगर कीर्तन दही हांडि भंजन और समूह प्रसाद सेवन कार्यक्रम रही आश्रम कमिटी पक्षर सूचना मिलता। नामयज्ञ परिचालन पांच खंड ग्रामर बासिंदा सहित आखपाख अंचल अनेक बदान्य व्यक्ति सहयोग करते। संबलपुर रेढ़ाखोल जशवंत नारायण साहू रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।